जय दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बुलहर सिंह, स्वागत है आपका क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों, जैसे कि अपनी सीरीज चल रही फ्रोजन शोल्डर यानी जमे हुए कंधों के ऊपर, उसका आज अपना तीसरा अभ्यास, तीसरा भाग है। पहले के दो भाग जो नहीं देख सके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, कृपया जाकर देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो पिछली बार आपको मैं बेसिक मुदगर से बताया था क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अभ्यास को हम बताएंगे, जिसके अंदर आपको भी लेना है एकदम लाइट वेट मुदगर। लेने के बाद आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। शुरुआत में आपको सांस खींचते हुए इसको ऊपर उठाकर होल्ड करना है। याद रखिए, अगर आपका शोल्डर ये लेवल तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो उसको इस प्रकार से भी कर सकते। तो लंबी गहरी सांसें खींचते हुए श्वास खींचे, कुंभक लगाए, ऐसे ऐसे श्वास छोड़े। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। तो दोस्तों, ये अभ्यास में पारंग होने के बाद इसी को थोड़ा मुश्किल अभ्यास करते हैं। इसके अंदर इसका अभ्यास थोड़ा सा कठिन बनाएंगे, जिसके अंदर अपने को हाथ पूरी ओर से ऊपर ले आना है। गहरी लंबी सांसें खींचते हुए बिना सांसों के आपको ये काम नहीं करेगा। तो हमेशा क्षत्रिय प्रणाम का पालन कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए आपके सांसों पर, साथ ही साथ आपके मजल पर, आपके ग्रिप पर। ये ध्यान का काम है एकदम। तो देखिए ये अभ्यास। जितना हो सके उतना कुंभक, एक एक को 12 से 12 बार, शुरुआत में 12 बार, कम से कम 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बार। जैसे जैसे आपका हाथों में, आपके कंधों में ताकत आती रहती, वैसे वैसे इस अभ्यास का टाइम लिमिट भी बढ़ाते रहना। और जितने बार आप कर रहे हैं, यानी 10 से 12 हुए तो वो 1200 तक भी जा सकते हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो। 12 बता रहा हूँ मैं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिम की तरह 12-12 का सेट, 12-12 का सेट नहीं, लगातार अभ्यास। 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो दोस्तों ये था, दो अभ्यास हो गए अपने आपके जमे हुए कंधों को ताकत प्रदान करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की, और अगले अभ्यास को थोड़ा और कठिन बनाते हुए इस बार आपको मुदगर को पकड़ना है नज़दीक। अभी तक आप इसको दूर पकड़े शायद आसानी से उठ गए, लेकिन अब की बार आपको इसको नज़दीक पकड़ कर उठाना है। कुछ इस प्रकार लंबी गहरी सांस खींचते हुए भगवान महाकाल को, या जिस जिनको भी आप पूछते मांझते हैं, उनको ध्यान करते हुए आराम से। इसमें जल्दबाजी कभी नहीं करना दोस्तों, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जंगलीपना नहीं, आराम से, इत्मीनान से। कुंभक पूरा उठ नहीं पा रहा, आपको दर्द हो रहा आपके कंधों में। ये हाथ आप जब नज़दीक करेंगे तो आपको शोल्डर के ऊपर ज़्यादा इसका प्रभाव दिखने को मिलेगा। अगर आपका हाथ पूरा नहीं उठ रहा तो जितना उठ रहा उतना ही उठाओ। देखो यहाँ तक भी उठाए तो पर्याप्त है, यहाँ से भी आपको गिरना, आपके शोल्डर पे आपको असर दिखना चालू हो जाएंगे। इतना भी उठाए तो पर्याप्त है। ये ऐसे ऐसे बढ़ाओ, ये 15 से 30, 30 से 45, 45 से 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, 90 से एकदम सीधा 100। बारह बार ये भी शुरुआती तौर पे, 5 लंबी गहरी सांस खींचते हुए,
जितना कुंभक लगाएंगे आपको उतना स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ेगा। भीतरी कुंभक आपको ताकत प्रदान करता, बाहरी कुंभक आपको निरोगी प्रदान करता, आरोग्यता प्रदान करता। जिनको कमर में दर्द है वो इस अभ्यास को बैठ के भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते अगले अभ्यास की। दोस्तों अगले अभ्यास में आपको वापस से मुंदकर इसी प्रकार से पकड़ना है। इसी प्रकार से पकड़ने के बाद आप इसको नीचे डालना है, यानी आपके कमर नाभि के नीचे रखें। जिनको ज़्यादा तकलीफ है वो ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार से करिए। जब इस प्रकार से आप इसको हिला रहे तो आपके ये हाथों से लेके यहाँ तक, यानी आपके बगल तक, आपको एक नसों का खिंचाव महसूस होगा जो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ेगा। तो देखिए अभ्यास। पेंडुलम की तरह आहिस्ते आहिस्ते इसको आपके हाथों के अंदर के नसें खींचना और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से फील होना पहले दिन से चालू हो जाएगा। ऐसा ऐसा इस अभ्यास को बढ़ाना है। ये अगर आपका हाथ कांधे तक नहीं आ रहा तो इसको आपके नाभि के पास रोकिए हाथ को, लेकिन आपकी जो टोनी है वो एकदम सीध में रहना, यानी एकदम सीधी रहना। ये नाभि तक आपका हाथ, बराबर बराबर करने के बाद में करा तो मैं 6 बार, लेकिन आप लोग इसको ऐसे ऐसे बढ़ाइए। इसको थोड़ा सा और कठिन बनाते हुए कुछ इस प्रकार से आपको आपके वक्षस्थल तक लेकर आना है, कंधे तक लाना है। वक्षस्थल यहाँ पर वक्षस्थल है। अगर यहाँ तक आ रहा तो आपको थोड़ा सा हाथ ऐसा ऊपर उठाने के बाद आपके कंधे तक भी आने, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्षत्रिय प्रणाम करते हुए सांस, लंबी गहरी सांस खींचते हुए एक कुंभक, जितना हो सके उतना कुंभक लगाकर रोकने का अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए। ये सिर्फ आपको बताने के लिए थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूँ। तो ये रहा अभ्यास दोस्तों। इसके बाद में अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगले अभ्यास में आप अभी आपको इसके वक्षस्थल या आपके कंधे तक लाए थे, अभी आपको आसमान की ओर ले आना है इस मुद्गर को कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों अगला अभ्यास, पिछले पूरे जितने अभ्यास करे अपन पिछले वीडियो के अभ्यास में, पारंगत होने के बाद में आपका शोल्डर जैसे जैसा फ्री होते रहता उसके बाद जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, उसी के बाद ही आप मुद्गर उठाकर इस अभ्यास को करिएगा। अन्यथा पहले के जो वार्म अप्स बताया वही करते रहिएगा रेगुलरली, ठीक है। लंबी छाती में गहरी सांसें भरते हुए कुंभक लगाते हुए श्वास खींचे, कुंभक लगाए, श्वास छोड़े। अच्छा, इसको आपको इस प्रकार से नहीं करना है, ये गलत है, ये गलत है। वो जो स्टार्टिंग में बताया था आपको वो बस आपके हाथों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए ये वाला था। ये इसको भी आहिस्ते आहिस्ते, ये नहीं,
ये गलत है, ये भी गलत है। स्पीड नहीं, जल्दबाजी का काम शैतान का। ऐसे ऐसे ही यहाँ पे ला के रोके, ये उठाए, श्वास छोड़े, वापिस से श्वास खींचे। जहां पर आपको स्पीड दिखाना है वहां पर स्पीड दिखाना, जहां पर आपको आपके सांसों को आयाम देना है, आपके प्राणों को आयाम देना है, वहां पर आपको आराम आराम से करना है। जहां पर मैं बताता हूँ, जैसे कि स्पीड भस्त्रिका रहती है अपनी समतुला मुखी से, उसको स्पीड करना है आपको। जहां पर स्लो करना रहता है वहां पर स्लो करना, वापिस से तो दोस्तों, ये थे कुछ अभ्यास जमे हुए कंधों के लिए यानी फ्रोजन शोल्डर के लिए, क्षेत्रीय प्राणायाम के कुछ अभ्यास। हमारे पास पीड़ित भी आ रहा, उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगा। उसको आके आज 3 दिन हुआ, उसको कितना फ़र्क मिला, शायद कल या परसों उसका वीडियो डालूंगा मैं। लेकिन लगातार आप इस अभ्यास को करते रहिए, अपने जीवन में सेहत बनाए रखिए। देखिए, देश में कोई भी रोगी नहीं रहना, हर कोई बलवान रहना, कोई भी कमज़ोर नहीं रहना, हर कोई आरोग्य से भरपूर रहना, सेहतमंद रहना। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।